देवड़ा ढोड़ी चटनावा जो चल रहा है ये भोजपुरी में, मतलब देवड़ा ढोड़ी चटनावा पे ज्यादा डांस हुआ है। को कभी शक हुआ है कि आप डांस कभी होने ही नहीं दिया। खेला है, उसके आगे भी सोचा था इंटरनेशनल तक। क्या खेला है? वॉलीबॉल खेला है। मतलब वॉलीबॉल नेशनल लेवल का खेला है जी। और फिर उसके बाद इस लाइन में आ गई, क्रिएटर में डांस कर रही है। अच्छा लगता है ये काम करना? अच्छा नहीं लगता, प्रॉब्लम की वजह से यहाँ चल रही है। पटना से चलता दवाइया। हाँ। अच्छा लगता है जो समझ में आता है। इस गाने का मतलब समझ में आता है आपको? नहीं आता है ना समझ में? भोजपुरी गाने का मतलब समझ में नहीं आता है फिर भी डांस करती है जी। कोई ज्यादा हद पार कर देता है तो आप क्या करती है फिर? तो स्टेज से नीचे उतर जाती हूँ, फ्लोर पे जाती हूँ। अगर ज्यादा ही हो जाए, अगर अंदर तक आते हैं तो वही थप्पड़ चप्पल अप्पल उठ जाती है। सोनपुर मेले में थिएटर की खूब ज्यादा चर्चा होती है और यहाँ पे हर जगह से लड़कियाँ आती हैं डांस करने के लिए। और दिखा दीजिए यहाँ पे जो ये टेंट बना हुआ है, इसी में अपना गुजर बसर करती है। जरा एक बार पीछे भी दिखा दीजिए कि यहाँ पे दूर दूर तक टेंट बना हुआ है, इसी में गुजर बसर करती हैं ये लोग। और ठंड का मौसम भी बढ़ रहा है, फिर भी ये लोग इसी में अपना गुजारा करती हैं। फिलहाल ये लोग मेकअप अभी कर रही हैं और हम लोग इनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये लोग रहती हैं और किस तरह से काम कर रही हैं। आइए जरा हम लोग अंदर की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे कि ये लोग किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जरा इधर आ जाइए आप। मेकअप कर रही थी अभी आप जी? तैयार हो रही है जी, काम का टाइम हो रहा है इसलिए। काम का टाइम हो रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। इतनी कोई कहाँ की रहने वाली है? दिल्ली से। दिल्ली से आई है जी। अच्छा, दिल्ली से बिहार क्यों आई है? काम के लिए आए थे, डांसिंग के लिए। दिल्ली में इसलिए नहीं करते क्योंकि फैमिली वगैरह है साथ में, इसलिए। अच्छा, फैमिली वगैरह साथ में इसलिए नहीं करते? हाँ। मतलब फैमिली की तरफ से मना है क्या? हाँ, फैमिली की तरफ से मना है डांसिंग वगैरह। तो क्या बोल के आई हैं फैमिली को? इवेंट का काम करते हैं। इवेंट का काम मतलब? मतलब जैसे होते हैं ना कि शादी पार्टी में फूल का, फूल वगैरह, वेटिंग का काम होता है जो गर्ल्स का, वही काम बता के आए हैं। वही काम बता के आए हैं जी। अच्छा, फैमिली को कभी शक हुआ है कि आप डांस वगैरह करती हैं? कभी होने ही नहीं दिया। अगर पता चल गया तो क्या होगा? मतलब कलेश होंगे घर में, लड़ाई होगी घर में। अच्छा, क्यों मना करती है फैमिली? बस ऐसे कि हमारे उसमें लड़कियां डांस नहीं करती, ये वो, ऐसे। आपको अच्छा लगता है ये काम करना? अच्छा नहीं लगता, प्रॉब्लम की वजह से यहाँ हूँ जी। ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आपको दिल्ली से बिहार आना पड़ गया? मतलब मेरे पापा जॉब नहीं करते, मम्मी करती है, तो घर में थोड़ी भाई बहन छोटे छोटे, उनकी पढ़ाई वगैरह भी चल रही है, तो मम्मी अकेले नहीं कर पाती मेरी। मम्मी अकेले नहीं कर पाती। अच्छा, कितना कमा लेती हैं? ज़्यादा नहीं, यही 25-30 हज़ार रुपये महीने का। 25-30 हज़ार महीने का। अच्छा, यहाँ पे खर्चा कौन उठा रहा है आपका? यहाँ पर जो हमें लेके आए हैं, जिनके थ्रू हम आए हैं, वो खर्चा उठाते हैं। खाना पीना टाइम पे मिल रहा है आपको? हाँ, खाना पीना सब है यहाँ। अच्छा, स्टेज पे जाती हैं तो क्या कुछ परेशानियाँ आती हैं? कोई परेशानी नहीं होती, मतलब ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे पुलिस वाले होते हैं, ये गार्ड्स वगैरह लगा रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती इतना। मतलब डर नहीं लगता है? नहीं। लेकिन कुछ ऐसे छिछोड़े लोग होते हैं ना जो परेशान करते हैं जी? ये तो है, जैसे कोई कोई होता है जो स्टेज पे चढ़ जाते हैं, तो हमारे साथ बदतमीजी से पहले पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं, फिर उन्हें बाहर निकाल देते, वापस अंदर आने नहीं देते। अच्छा, अक्सर आप क्या कमेंट किया जाता है आपके ऊपर? कोई हमारी डांसिंग के ऊपर करते हैं, कोई हमारे लुक के ऊपर करते हैं। लोगों के कमेंट्स तो आप जानती हो कैसे होते हैं लड़कों के। तो बस वही, कोई कहता है आप डांसिंग अच्छी करते हो, आप डांसर अच्छे हो, कोई कहता है कि आप दिखने में बहुत अच्छी हो, ऐसी हो, वैसी हो, हॉट हो, ऐसे ऐसे कमेंट्स होते हैं। अच्छा, आप पैसे भी देते हैं क्या वो लोग? हाँ, कलेक्शन भी करते हैं। उनकी तरफ से फरमाइश भी आती है क्या इस गाने पे डांस जी? आती है, फरमाइश भी आती है। अच्छा, लेटेस्ट में कौन सा गाने पे डांस किया आपने? मैंने ज्यादातर ये देवड़ा ढोड़ी चटनावा जो चल रहा है ये भोजपुरी में, मतलब देवड़ा ढोड़ी चटनावा पे ज्यादा डांस हुआ है यहाँ पर। मतलब मैं ज्यादा गुजरा करती हूँ उन लोगों के लिए, उन्हें डांसिंग ज्यादा पसंद है, तो पुराने गाने में ज्यादा करती हूँ। मतलब देवड़ा ढोड़ी चटनावा अभी तक ट्रेंड कर रहा है? हाँ, अभी तक चल रहा है। इस गाने का मतलब समझ में आता है आपको? नहीं आता है ना समझ में? भोजपुरी गाने का मतलब समझ में नहीं आता है फिर भी डांस करती है जी। और एक दो गाना बताइए जो फरमाइश करते हैं वो लोग। देवरा ढोड़ी चटनावा हो गया, और जो ये सॉन्ग चल रहा है
तबला पे कमरिया करके जो एक सॉन्ग चल रहा है ना, खेसारी लाल जी का, हाँ वो हो गया जो आजकल न्यू न्यू सॉन्ग चल रही है, पटना से चलता दवैया, पटना से चलता दवैया, हाँ अच्छा लगता है, जो समझ में आते हैं वो गाने में डांस करने में ज्यादा अच्छा लगता है, खासकर तो हिंदी सॉन्ग ज्यादा पसंद है, हिंदी सॉन्ग ज्यादा पसंद है, लेकिन हिंदी सॉन्ग पे यहाँ के लोग नहीं पसंद करते हैं, करते हैं कोई कोई, जैसे ओल्ड लोग होते हैं तो वो करते हैं पुराने सॉन्ग, जैसे ओल्ड लोग भी कभी कभी छिछोड़े बन जाते हैं क्या, हाँ कभी कभी कोई कोई, जैसे 20 में से 1% कोई ज्यादा हद पार कर देता है तो आप क्या करती है फिर, तो स्टेज से नीचे उतर जाती हूँ, फ्लोर पे जाती हूँ, अगर ज्यादा ही हो जाए, अगर अंदर तक आते हैं तो वही थप्पड़ अप्पड़ चप्पल अप्पल उठ जाती है, मतलब खुद के लिए स्टैंड लेती है जो लेना चाहिए अक्सर जी। अच्छा क्या नाम है आपका? रुचि। रुचि नाम है जी। ये वीडियो अगर आपकी फैमिली तक चला गया तो क्या बोलिएगा, खुशी, अपनी फैमिली को कैसे समझाइएगा, बैठ के घर जाके सब जा पाओगे, यहाँ रह के तो सब जा नहीं पाओगे, कि मम्मी प्रॉब्लम थी इस वजह से बाहर थी, उसके बाद मम्मी बोलती है अगर नहीं करना तो फिर ये लाइन पे नहीं आऊंगी मैं, नहीं आएंगे इस लाइन में। अच्छा इस लाइन के बाद आपने क्या सोचा है, डांसर ही बनना है या फिर आगे जाके कुछ और करना है? मेरा करियर तो कुछ और ही था, मैंने कुछ और सोचा था, प्रॉब्लम की वजह से यहाँ आ गई। क्या सोचा था? स्पोर्ट्स सोचा था, नेशनल खेला है, उसके आगे भी सोचा था इंटरनेशनल तक। क्या खेला है? वॉलीबॉल खेला है, मतलब वॉलीबॉल नेशनल लेवल का खेला है जी। और फिर उसके बाद इस लाइन में आ गई, क्रिएटर में डांस कर रही है। टेंथ क्लियर करने के बाद टेंथ में मैंने छोड़ दिया था स्कूल, स्टडी करनी छोड़ दी थी। अगर आपको उस तरीके का खर्चा मिले तो आप खेलेंगी नेशनल लेवल पे? हाँ आगे भी और खेलेंगी। घर की दिक्कतें मेरी खत्म हो जाए तो मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखूंगी। कंटिन्यू रखिएगा पढ़ाई, अगर दिक्कत नहीं खत्म हुई तो फिर ऐसे ही काम करते रहिएगा जी। तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे थे नेशनल लेवल की खिलाड़ी हैं, वॉलीबॉल खेल चुकी हैं, फिर भी मजबूरियों के कारण घर की परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, थिएटर लाइन को इन्होंने चुन लिया है और इसी को एक आमदनी का सोर्स बना लिया है। तो आप ये रिपोर्ट देख रहे थे एचटी भारत के माध्यम से, मैं थी आपके साथ हिमांशी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या था?